वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार इसका खंडन करती है। पहला विषय यह है कि उनको हेलीकॉप्टर से क्यों ले जाया गया, तो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट इट वाज प्योरली ऑन सिक्योरिटी कंसिडरेशंस, क्योंकि उनको सुनारियां जो कि यहाँ से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पे है रोहतक के विसिनिटी में, क्योंकि उनको वहाँ लेके जाना था और जो सिक्योरिटी हालात थे वो बाई रोड ले जाना बिल्कुल जनहित में नहीं था, तो उनको हेलीकॉप्टर से ले जाया गया। और जहाँ तक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था का सवाल भी है, दी हेलीकॉप्टर वॉज अरेंज बाई दी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, दी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज़ पेड फॉर दी हेलीकॉप्टर। और जैसे कि आप जानते होंगे कि सुनारिया में हमारा हरियाणा पुलिस का और हरियाणा गवर्नमेंट का एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक हमारा वहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है जिसको हम PTC सुनारिया कहते हैं, और उसके बगल में वहाँ पे हमारी डिस्ट्रिक्ट जेल रोहतक है, तो उनको वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जेल रोहतक में उनको रखा गया है। और जैसा कि अन्य किसी कैदी को जैसे ट्रीट किया जाता है वैसे ही उनको ट्रीट किया जा रहा है। ये कहा गया कि वहाँ पे एयर कंडीशनर दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक उनके खाने का सवाल है, जो खाना आम कैदियों को दिया जाता है वही उनको दिया जा रहा है।